संभल तौकीर रजा की भड़काऊ बयानबाजी। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए सबसे बड़ा आतंकवाद योगी ठोगी तौकीर रजा। संघ प्रमुख का नाम लिए बिना उन्होंने नागपुर का नाग बताकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। बच्चों, आज हमारे तुम्हारे जुल्म से आतंकवादी ना बन जाए, हम समझा रहे हैं। संभल में चल रहे CAA के विरोध में धरना स्थल पर पहुंचे मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने मंच से देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए सबसे बड़ा आतंकवादी कहकर सामने बैठे लोगों से खूब तालियां बजवाई। उन्होंने संघ प्रमुख का नाम लिए बिना उन्हें नागपुर का नाग बताकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। वहीं भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि अगर हमारे बच्चे गोडसे वाली सोच पर निकल गए तो देश का नजारा कुछ और ही होगा। मंच से प्रदेश के मुखिया योगी को सबसे बड़ा ढोंगी करार दिया। मिल्लत काउंसिल के प्रमुख और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा देर रात संभल में चल रहे CAA के विरोध धरना स्थल पर पहुंचे और मंच संभालते ही केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहना था कि ये आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, 1947 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी, अब काले अंग्रेजों के खिलाफ है। ये लड़ाई तड़ीपारों के खिलाफ है, ये काला कानून इन पारों का बनाया हुआ है, हम लोग इसे नहीं मानते। तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि अगर हमारे बच्चे गोडसे के नक्शे कदम पर चल दिए तो देश के हालात कुछ और ही होंगे। उन्होंने मंच से कहा कि असल में कोई आतंकवादी अगर है तो ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर गौर करने बैठ जाओगे। मेरे हिंदू भाइयों, तो तुम्हें दिखेगा मुसलमान आतंकवादी नहीं है, असल में कोई आतंकवादी है तो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, और ये योगी अपने आप को कहता है योगी है, दरअसल ये बहुत बड़ा ढोंगी है और हम लोगों पर मुकदमे लगवा रहा है। हम तो निकले ही इन ढोंगियों और पापियों के खिलाफ काम करने हैं जो हमारे देश और प्रदेश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। हमारे काम आ गई, तूने तलाक पर कानून बनाया, हमारे काम आया, हमारा नुकसान नहीं हुआ, हमारी बेटियों का फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। आज ये बेटियां किसी भी कीमत पे ये सड़कों पर नहीं आती, इस तरह एहतजाज करने के लिए नहीं आती, इस तरह मुत्तहिद होकर ना बैठी होती, लेकिन तूने अगर बेईमानी ना की होती तो शायद ये माहौल ना बनता। और आज हमारी इन बहनों इन बेटियों की वजह से, हमारे उन तलबा की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में माहौल बना हुआ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक जड़ी में पिरोए हुए से लगते हैं, एक हो चुके हैं, मुत्तहिद हो चुके हैं, और ये इत्तेहाद इंशाल्लाह, ये एक बेईमानी नहीं, ऐसी बहुत सी बेईमानी इन्होंने प्लान की हुई है, उन तमाम बेईमानियों का इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं आप लोगों को क्या होगा इस डर की वजह से हमारी जो बहनें आई है कि हमारे भाई हमारे बच्चे कहीं तुम्हारी बेईमानियों से मायूस होकर आतंकवाद का रास्ता ना अपना ले। ये बहनें ये बेटियां इसलिए आई है, हम लोग तो जगह जगह जाते हैं, हम इसलिए नहीं जाते हैं कि हमारे ऊपर तुम जुल्म कर रहे हो इसलिए आए हैं, बल्कि हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे देश के ऊपर जुल्म हो रहा है। और कहीं हमारे बच्चे हमसे अपील, हमारे बच्चे हमसे ये कहते हैं कि मियां आप लोग बुज़दिल हो गए हो, इतनी बेईमानी हो रही है, इतना जुल्म हो रहा है, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, हमें इजाजत दो हम करेंगे। हमने कहा कि नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया है, अभी हम हैं, अभी बख्शा जैसे लोग हैं, जब तक हम हैं तब तक तुम अपना फैसला खुद नहीं करोगे, जिस दिन हम ना रहे तुम पास तैयार हो, जो चाहो फैसला कर लेना। तो हम जो जद्दोजहद करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अमन अमान रहे, भाईचारा रहे, दोस्ती रहे, हमारा मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर जाए। हम तुम्हारे खिलाफ नहीं आए हैं, बल्कि हम अपने मुल्क की हिमायत के लिए आए। खुदा ना करे अगर हमारे बच्चे हमसे मायूस होकर हम पर जो मुकदमे लगाते हो, मुझसे भी एक साथी पूछ रहे थे कि इतने लोगों पर मुकदमा लगा दिया, इन लोगों को नोटिस भेज दिया, इन लोगों को नोटिस भेज कर तुम अपनी कब्र खोदने का काम कर रहे हो, क्योंकि ये उन बच्चों को आतंकवाद के राह पे रोकने का काम कर रहे हैं। अगर ये अपना काम करने में कोताही कर जाएंगे तो तुम्हारा, हमारे बच्चे तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। जो यहाँ सब लोग सुकून के साथ बैठे हैं, कानून की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर आतंकवाद की राह पर नहीं जाने देंगे। हम अपने मुल्क को, ये लोग चाहते हैं
कि एक और बंटवारा हो जाए, लेकिन हम अपने मुल्क में एक और बंटवारा किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। हम एक और पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहते। हमारा मुल्क है ये। और बात है, मैं तो बरसात से कहूंगा और आप तमाम लोगों से भी पूछ